हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिराकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वर्ब का जो टू टाइप्स है, मेन टाइप्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, इसी के बारे में विस्तार में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ऑल वर्ब्स आर कॉल्ड एज मेन वर्ब्स एक्सेप्ट 11 मोडल्स। ओके, जो 11 मोडल्स सिर्फ ओनली यूज होता है हेल्पिंग वर्ब हिसाब से सेंटेंस में। ओके, और इसी के बाद एक मेन वर्ब कंपल्सरी आता है सेंटेंस में। ओके, ये 11 मोडल वर्ब को छोड़कर जितने भी वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में, कई हंड्रेड्स और थाउजेंड वर्ब्स कम्स अंडर मेन वर्ब। ओके, सो चलिए देखते हैं ये मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए, ये एक बड़ा सा कंटेनर है और ये एक छोटा सा कंटेनर है। ओके, ये जो बड़ा सा कंटेनर है, ये है आपका मेन वर्ब, जिसी को आप कहते हैं लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। और ये जो छोटा सा कंटेनर है, इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसका एक अनदर नेम है ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सिर्फ 11 मोडल है जो कि प्योरली हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये 11 मोडल कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब हिसाब से यूज नहीं होता है। देखिए, टोटल मोडल कितना है, टोटल मोडल है 13। ओके, 13 में टू जो मोडल है, ये है आपका डेयर, डेयर एंड नीड। ये दो मोडल सेंटेंस में मेन वर्ब हिसाब से यूज होता है और ऑक्सिलरी वर्ब से हिसाब से भी यूज होता है। इसीलिए डेयर एंड नीड ये बड़ा सा कंटेनर भी रहता है और यहाँ पर भी रहता है डेयर एंड नीड। ओके, सो टोटल मोडल कितना हो गया, ये 11, ये 2, 13 मोडल यहाँ पर ये छोटा सा कंटेनर में है और बड़ा सा कंटेनर में दो मोडल है डेयर एंड नीड। सो डेयर एंड नीड ये मेन वर्ब हिसाब से यूज होता है, ये हेल्पिंग वर्ब हिसाब से भी यूज होता है, लेकिन अदर 11 मोडल सिर्फ यूज होता है हेल्पिंग वर्ब हिसाब से। ओके, देखिए और कौन कौन वर्ब ये मेन वर्ब अंदर आता है, जितने भी कंप्लीट एक्शन है, जो वर्ब कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है, वो सब वर्ब मेन वर्ब अंदर आता है। लाइक नाचना, गाना, खाना, पीना, खेलना, ये सब आता है मेन वर्ब अंदर। ओके, थाउजेंड्स ऑफ वर्ब आर देयर। ओके, देखिए, गो, कम, डांस एक्सेट्रा। ओके, ये थाउजेंड्स ऑफ वर्ब है। ओके, और ये जो मेन वर्ब है जो कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है, इसी का फाइव फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, सो डे आर नीड आता है और जितने भी कंप्लीट एक्शन को जो वर्ब दर्शाता है वो आता है मेन वर्ब अंदर। और कौन कौन आता है, और यहाँ पर आता है बी का जितने भी फॉर्म है, डू का जितने भी फॉर्म है एंड हैव का जितने भी फॉर्म है। ओके, बी का क्या क्या है, बी का है बी, बींग, बीन, इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये डू का है डू, डज, डिड और हैव का है हैव, हैज, हैड एंड हैविंग। ओके, ये सब आता है मेन वर्ब अंदर में। और ये जो तीन बेस वर्ब है, टू बी, टू डू, टू हैव, ये भी आता है हेल्पिंग वर्ब अंदर। ओके, ये इसी में हमने उठाया है, ये जो मेन वर्ब से हम ये तीनों को उठाया है और ये दो को उठाया है। ओके, और उठाकर इसी में डाला है, कहाँ पर, ये छोटा सा कंटेनर में, जिसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पर क्या क्या रहता है, डू रहता है, हैव रहता है और बी का भी जितने फॉर्म है वो भी रहता है। देखिए, ये जो ये है तीन बेस वर्ब, डू का क्या है, ये जो डू है इसी का है डू, डज एंड डिड, ये तीन है। ओके, और ये जो हैव है इसी का है हैव, हैज, हैड। ओके, ओके, जो बी है ये हैव है, ये जो बी है इसी का है बी, बीन, बीइंग, देन इज, आम, आर, वाज एंड वेयर। ओके, ये सब आता है हेल्पिंग वर्ब अंदर एज वेल एज
ये मेन वर्ब अंदर। देखिए हाउ टू अंडरस्टैंड मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। देखिए गाड़ी में जो बड़ा बड़ा कंटेनर होता है गुड्स कैरियर, इसी में दो लोग होता है, एक होता है ड्राइवर, अनदर होता है हेल्पर। ओके, और ये ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना और ये हेल्पर का काम है ड्राइवर को हेल्प करना। ओके, और कभी कभी हेल्पर ड्राइवर का काम भी कर लेता है, लेकिन ड्राइवर कभी भी हेल्पर का काम नहीं करता है। सो लाइक दिस, ये जो मेन वर्ब है ये सेंटेंस में ड्राइवर का काम करता है। ओके, ये ऑलवेज रहता है मेन वर्ब। ओके, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पर हिसाब से काम करता है, हेल्पर का काम है ड्राइवर को हेल्प करना। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब को सेंटेंस में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब का सेंटेंस में टेंस को दर्शाता है, वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और वॉइस सेंस भी करता है, वॉइस को दर्शाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करता है, और मूड को दर्शाता है। ओके, ये एबिलिटी कैपेसिटी परमिशन इसी को दर्शाता है ये हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब का काम है ऑलवेज हेल्प करना और कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब हिसाब से भी काम करना। देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पर आई हैव ए पेन। ओके, यहाँ पर एक ही वर्ब है हैव, सो हैव यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब है। हैव एक्चुअल कम्स अंडर व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये सेंटेंस में मेन वर्ब हिसाब से काम करता है, क्योंकि हैव भी कहाँ पर है, ये मेन वर्ब ही है। ओके, क्योंकि ये पहले ये मेन वर्ब में था, इसी से हमने उठाया और ये छोटा कंटेनर में डाला, हेल्पिंग वर्ब में डाला। सो हैव डू एंड बी ये सब सेंटेंस में मेन वर्ब हिसाब से यूज हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब हिसाब से भी यूज होता है। ओके, देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर। ओके, यहाँ पर देखिए ये राइटिंग जो है ये मेन वर्ब है और आम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो आम दर्शाता है राइटिंग का जो टेंस है प्रेजेंट टेंस को ये दर्शाता है। ओके, सो वर्ब ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। सो चलिए ये मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में समझते हैं। देखिए बेसिकली वर्ब एक एक्शन वर्ड है, और जितने भी वर्ब है सब वर्ब को हम कहते हैं मेन वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब कोई अलग से वर्ब नहीं है, जितने भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब है सबको हम कहते हैं मेन वर्ब, और इसी मेन वर्ब से हम कुछ वर्ब को उठाया है फॉर मूड टेंस एंड वॉइस के लिए। ओके, सेंटेंस में टेंस को पॉइंट आउट करने के लिए, वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और सेंटेंस में मूड को आइडेंटिफाई करने के लिए और वॉइस सेंस करने के लिए हम कुछ मेन वर्ब से कुछ वर्ब को हम उठाया है, और इसी वर्ब को हम अलग से नाम दिया है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो बेसिकली ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये मेन वर्ब का और दो नाम है, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। ओके, आप मेन वर्ब कह सकते हो, लेक्सिकल वर्ब कह सकते हो, और प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हो, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी का भी और एक नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ओके, सो ये सब नाम को भूल जाइए, ओनली दो वर्ब को याद रखिए, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसी के बारे में डिटेल में देखते हैं ये मेन वर्ब क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। देखिए सेंटेंस में मेन वर्ब आ सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है, सिर्फ मेन वर्ब आ सकता है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब विथ मेन वर्ब भी आ सकता है, दो तीन वर्ब आ सकता है सेंटेंस में, एक वर्ब आ सकता है। ओके, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा इसी वर्ब को हम कहेंगे मेन वर्ब। ओके, सो विदाउट मेन वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। ओके,
सो जब सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा इसी को हम कहेंगे मेन वर्ब, और सेंटेंस में जब दो वर्ब रहेगा एक को हम कहेंगे मेन वर्ब और दूसरे को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, ओके। और सेंटेंस में जब तीन वर्ब रहेगा एक वर्ब होगा मेन वर्ब और जो दो वर्ब रहेगा ये दोनों की दोनों वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब, ओके। सो सेंटेंस में सिर्फ एक ही मेन वर्ब रहेगा, एक और दो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब रह सकता है, ओके। सो चलिए देखते हैं डिटेल में ये मेन वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए पहले मेन वर्ब को देखते हैं। मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब, द इम्पोर्टेंट वर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एज मेन वर्ब, ओके। जो वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट है सेंटेंस में इसी को हम कहते हैं मेन वर्ब, और ये जो मेन वर्ब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब, ओके। तीन नाम है, एक है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। ये जो मेन वर्ब है सेंटेंस में, जो भी मेन वर्ब है जो कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है इसी का पांच फॉर्म है, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। देखिए फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ओके। ये V का मतलब है वर्ब, ओके। V1 क्या है, ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। V2 ये वर्ब का पास्ट फॉर्म है। V3 ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। V4 ये वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं V1 प्लस ING। और ये V5 V1 के साथ आप ES, ES और IES लगा के आप V5 कर सकते हो। सो जितने भी मेन वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में जो कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है इसी का पांच फॉर्म ऑलवेज रहता है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। देखिए मेन वर्ब क्या है, ये एग्जांपल सब है, ध्यान से देखना। आई टीच इंग्लिश, ओके। ये जो टीच है ये कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है, सो ये टीच एक मेन वर्ब यहां पर है, ओके। ये जो आई टीच इंग्लिश एक सेंटेंस है, इसी में एक ही वर्ब है, सो सेंटेंस में एक ही वर्ब जब रहेगा ये होगा मेन वर्ब, ओके। ये जो टीच यहां पर है मेन वर्ब, ओके। राम प्लेज फुटबॉल, ये खेलना, प्लेज खेलना एक वर्ब है, टीच पढ़ाना एक वर्ब है। सो ये जो प्लेज है ये एक ही वर्ब है ये सेंटेंस में, सो ये प्लेज यहां पर मेन वर्ब है, ओके। देन देखिए आई एम ए टीचर, ओके। ये देखिए वर्ब क्या यहां पर है, आम है। सो देखिए एक ही वर्ब है यहां पर, आम इज ए मेन वर्ब। देन देखिए ये सेंटेंस, आई एम रीडिंग ए बुक, यहां पर देखिए दो वर्ब है, आम एक वर्ब है, रीडिंग एक वर्ब है, ओके। ये जो रीडिंग है पढ़ना ये कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है, इसीलिए जो कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है इसी को हम कहेंगे मेन वर्ब, ओके। जो इसी मेन वर्ब को हेल्प करता है किसी के लिए, ये जो तीन है, टेंस दर्शाने के लिए, वॉइस दर्शाने के लिए और मूड दर्शाने के लिए, इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो आम इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये जो आम है ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है इसी को दर्शाता है, ओके। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ओके। ये जो पढ़ना का काम ये अभी चल रहा है, ओके, प्रेजेंट में, इसीलिए आम यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग यहाँ पर है मेन वर्ब, ओके। देखिए अनदर सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 डेज, ओके। देखिए यहाँ पर तीन वर्ब है, हैज एक वर्ब है, बीन एक वर्ब है, रीडिंग एक वर्ब है, ओके, तीन वर्ब है। ये जो रेनिंग है बारिश हो रहा है, ये जो रेनिंग है बारिश, ये है आपका मेन वर्ब, ओके, क्योंकि ये कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है। और जो रिमेनिंग टू वर्ब है हैज एंड बीन, ये दोनों के दोनों ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है, हैज है हेल्पिंग वर्ब, बीन है हेल्पिंग वर्ब, ओके। सो सेंटेंस में जब एक ही वर्ब रहेगा वो होगा मेन वर्ब, और सेंटेंस में जब मोर देन वन वर्ब रहेगा एक तो कंपलसरी होगा मेन वर्ब, और जो वर्ब रहेगा सेंटेंस में दे आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब, ओके। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब के सब है आपका मेन वर्ब, और इसी मेन वर्ब से हमने 28 वर्ब को उठाया है, कितना 28,
इसी 28 वर्ब को हमने नाम दे दिया हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब? द वर्ब व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब, इसी का काम है मेन वर्ब को हेल्प करना टू फॉर्म टेंस, वॉइस एंड मूड। ओके, ये मेन वर्ब का तीन चीज दर्शाता है सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का टेंस दर्शाता है, वॉइस चेंज करता है एक्टिव टू पैसिव करता है, और मूड दर्शाता है किसी आदमी का मूड। ओके, हम कहते हैं ना ये आप इसी से बात मत करो क्योंकि इसका मूड अभी ठीक नहीं है। ये जो मूड है ना, ये मूड को दर्शाता है। ओके, देखिए टेंस कैसे दर्शाता है, आई एम रीडिंग। ओके, ये आम है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था, ये वॉज पास्ट टेंस को दर्शाता है। आई विल रीड मैं पढ़ूंगा, ये फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। ओके, सो जो आम वॉज एंड विल दे आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। देखिए कितने हेल्पिंग वर्ब है, इसी को पहले देखते हैं, 28 हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये जो 28 हेल्पिंग वर्ब है ये डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडल हेल्पिंग वर्ब, और इसी को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मोडल ऑक्सिलरी। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ये जो 28 हेल्पिंग वर्ब है ये डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितना है 15, और मोडल ऑक्सिलरी कितना है 13। ये मोडल ऑक्सिलरी और प्लेन मोडल्स भी हम इसे कहते हैं। सो मोडल्स कितना है 13, प्राइमरी ऑक्सिलरी कितना है 15, 15 प्लस 13 ये कितना होगा 28। सो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितना है 28 है, 28। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये 15 है, ये बी का हैव का एंड डू का फॉर्म है। ओके, टू बी का 8 है, टू हैव का 4 है, और टू डू का 3 हेल्पिंग वर्ब है। देखिए बी का कितना है 8 है, ये कौन कौन, बी बीइंग बीन इज आम आर वाज वेयर। ओके, ये जो तीन है इज आम आर प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ये वाज वेयर पास्ट टेंस को दर्शाता है। हैव का देखिए, हैव का 4 है, हैव हैज हैड एंड हैविंग, और ये जो टू डू का 3 फॉर्म है, डू डज एंड डिड, ये डू एंड डज प्रेजेंट, ये डिड है आपका पास्ट। सो टोटल कुल मिलाकर बी हैव एंड डू का 15 प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। ओके, और मोडल ऑक्सिलरी और मोडल्स कितना है, ये 13 है, 13 साल विल कैन कूड वुड शुड मस्ट मे माइट ऑट टू यूज टू डेयर एंड नीड। देखिए ये जो लास्ट में दो है डेयर एंड नीड, ये मोडल हिसाब से यूज होता है और मेन वर्ब हिसाब से भी यूज होता है। ओके, और ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये हेल्पिंग वर्ब हिसाब से यूज होता है, मेन वर्ब हिसाब से भी यूज होता है, लेकिन ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है मोडल ऑक्सिलरी जिसे हम कहते हैं मोडल, ये सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब हिसाब से यूज नहीं होता है, ये ऑलवेज यूज होता है एज हेल्पिंग वर्ब। कोई भी मोडल वर्ब आएगा इसी के बाद कंपलसरी मेन वर्ब आएगा ही आएगा। ओके, एक्सेप्ट ए डेयर एंड नीड, कभी कभी डेयर एंड नीड सेंटेंस में मेन वर्ब हिसाब से यूज होता है, इसीलिए डेयर एंड नीड ये दोनों को हम कहते हैं सेमी मोडल। ओके, ये डेयर एंड नीड के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो मोटा मोटी ये है सेंटेंस में मेन वर्ब आएगा ही आएगा। ओके, सेंटेंस में एक वर्ब है तो है मेन वर्ब, सो विदाउट मेन वर्ब यू कैन नॉट मेक ए सेंटेंस। ओके, सो बिना ड्राइवर आप गाड़ी नहीं चला सकते, लाइक दैट बिना मेन वर्ब आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। ओके, कैसे हेल्पिंग वर्ब टेंस दर्शाता है ये तो मैंने बता दिया, आई एम रीडिंग प्रेजेंट टेंस, आई वॉज रीडिंग पास्ट टेंस, आई विल रीड फ्यूचर टेंस। देखिए वॉइस कैसे, वॉइस टेंस में कैसे हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, आई ईट एन एप्पल। ओके, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस क्या होगा, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। देखिए इज आ गया, ये ईटन हो गया, ये वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करे हैं। ओके, मूड को देखिए कैसे दर्शाता है हेल्पिंग वर्ब, आई कैन स्विम। ओके, मैं तैर सकता हूँ, ये जो कैन है ये एबिलिटी, मेरा एबिलिटी मेरा कैपेसिटी को
दर्शाता है। और एक सेंटेंस देखिए, इट मे रेन टूडे, ओके, बारिश आज हो सकता है, ओके, आई एम नॉट सर्टन, ओके, मैं श्योर नहीं हूँ बारिश होगा, लेकिन मेरा मन कह रहा है, मूड कह रहा है कि आज बारिश हो सकता है। ये मूड को दर्शाता है, ये जितने भी 13 मोडल ऑक्सिलरीज है, ओके। देखिए ये तीन सेंटेंस को देखिए, आई एम ए स्टूडेंट, ये एक ही वर्ब है यहाँ पर आम, सो इसीलिए याम यहाँ पर और हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, आम यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। देखिए आम क्या है, हेल्पर है, लेकिन यहाँ पर है ड्राइवर, हिसाब से काम कर रहा है, ड्राइवर यहाँ पर छुट्टी में है, ओके, जो मेन ड्राइवर है इसी सेंटेंस में छुट्टी में है, और हेल्पर यहाँ पर ड्राइवर का काम कर रहा है, सो यहाँ पर ये आम ड्राइवर है, इसीलिए आम है मेन वर्ब। सो मेन वर्ब मतलब ड्राइवर और हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पर। देखिए आई एम रीडिंग ए बुक, देखिए रीडिंग यहाँ पर ड्राइवर है, यहाँ पर हेल्पर है आम, सो आम है हेल्पिंग वर्ब और ये ड्राइवर रीडिंग है मेन वर्ब, ओके। सो ड्राइवर होगा, हेल्पर का काम ड्राइवर को हेल्प करना है, वो स्टेयरिंग नहीं पकड़ सकता है, ओके, ड्राइवर है तो ड्राइवर स्टेयरिंग पकड़ेगा। ये सेंटेंस ही हैज ए पेन, देखिए हैज यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि अदर वर्ब यहाँ पर नहीं है, एक ही वर्ब है, सो ये यहाँ पर हेल्पर है, ये ड्राइवर का काम कर रहा है, सो ये मेन वर्ब है। देखिए और एक सेंटेंस, ही हैज बीन एब्सेंट, यहाँ पर तीन वर्ब है, एब्सेंट एक वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ड्राइवर है यहाँ पर, ये दो हेल्पर है यहाँ पर, हैज है बीन है, ओके। देखिए ही हैज बीन रीडिंग, तीन वर्ब है, हैज है बीन है रीडिंग है, ये हेल्पर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब रह सकता है, एक ही वर्ब ऑलवेज मेन वर्ब होगा, और जितने वर्ब रहेगा वो सब हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और ये जो दो वर्ब रहेगा मोडल्स, डेयर एंड नीड, इसी का एक्सेप्शन है। देखिए ये जो डेयर एंड नीड, इसी को कहते हैं हम सेमी मोडल्स, और ये मोडल हिसाब से यूज होता है, मेन वर्ब हिसाब से भी यूज होता है, लेकिन ऑल अदर मोडल ऑक्सिलरी कैन नॉट बी यूज एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस। साल आएगा, विल आएगा, कैन आएगा, कूड आएगा, वुड आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा, मे माइट ऑट टू यूज टू आएगा सेंटेंस में, इसी के बाद कंपल्सरी एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा, ओके। देखिए लेकिन ये जो दो है नीड एंड डेयर, इसी को हम कहते हैं सेमी मोडल, क्योंकि ये मोडल हिसाब से यूज होता है और मेन वर्ब हिसाब से भी यूज होता है सेंटेंस में। देखिए नीड का, आई नीड ए बुक, यू नीड नॉट वेट, यहाँ पर नीड जो है ये मेन वर्ब है, आई नीड ए बुक, नीड यहाँ पर मेन वर्ब है, यू नीड नॉट वेट, ये नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ओके, मोडल ऑक्सिलरी यहाँ पर है क्योंकि वेट यहाँ पर मेन वर्ब है, ओके। देखिए डेयर का, ही डेयर्स टू गो, गो यहाँ पर मेन वर्ब है और डेयर्स यहाँ पर मोडल ऑक्सिलरी और मोडल हेल्पिंग वर्ब है, ओके। नो वन डेयर्स टू गो देयर, डेयर भी यहाँ पर मोडल ऑक्सिलरी है, गो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। सो वर्ब का जो मेन कैटेगरी है वो है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। सो तीन रूल है यहाँ पर, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा वो होगा आपका मेन वर्ब। देखिए ये दो सेंटेंस को देखिए, आई हैव ए कार, सेंटेंस में एक ही वर्ब है हैव, इसीलिए हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। आई ईट एन एप्पल, यहाँ पर ईट एक ही वर्ब है, इसीलिए ये है आपका मेन वर्ब। सो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब हो कि फुल वर्ब हो, प्रिंसिपल वर्ब हो, ये ऑल आर कॉल्ड एज मेन वर्ब जब ये सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा। देखिए एक ही वर्ब है, ये है क्या, मेन वर्ब। हैव एक्चुअल है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसी सेंटेंस में हैव है मेन वर्ब। सो रूल वन ये कहता है, सेंटेंस में जब एक ही वर्ब होगा वो कंपल्सरी होगा मेन वर्ब। देखिए हैव मेन वर्ब, ईट यहाँ पर मेन वर्ब, ओके। देन रूल टू क्या कहता है, सेंटेंस में जब मोर देन वन वर्ब होगा, दो वर्ब और तीन वर्ब होगा, लास्ट जो वर्ब होगा ये होगा मेन वर्ब और जो वर्ब रहेगा वो होगा हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए आई एम रीडिंग ए बुक, ही हैज बीन रीडिंग, यहाँ पर दो वर्ब है, आम है रीडिंग है, यहाँ पर हैज है बीन है रीडिंग है, तीन वर्ब है, ये दो वर्ब है, लास्ट वर्ब क्या है, रीडिंग, सो रीडिंग है मेन वर्ब, आम है हेल्पिंग वर्ब। ही हैज बीन रीडिंग, ये हैज है क्या, हेल्पिंग वर्ब, बीन है हेल्पिंग वर्ब, लास्ट जो वर्ब है रीडिंग, ये है मेन वर्ब।
और रूल थ्री क्या कहता है, सेंटेंस में जब मोडल आएगा, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सो इसी के बाद कंपलसरी एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा। देखिए आई कैन हेल्प यू, ये कैन यहाँ पर है मोडल्स और मोडल ऑक्सिलरी, इसी के बाद हेल्प आया है मेन वर्ब। सी विल कम टूडे, ये विल यहाँ पर मोडल वर्ब है, कम आया है इसी के बाद मेन वर्ब। ओके सो सेंटेंस में जब मोडल आएगा इसी के बाद कंपलसरी एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा। ओके सो दिस इज समथिंग अबाउट मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, हाउ यू करेक्टली यूज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस। ओके सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।